Welcome to Gaman Shan with Rashmi Bedi. Our guest today is famous television producer and director, Gajendra Singh. They say, to explore beyond the obvious, you need to make the first step. A small town boy stepped in the city of dreams. And in turn, he redefined entertainment. Gajendra Singh. The king of reality shows. He conceived Antakshari, the most watched show in the history of Indian television. Saregamapa was another feather in his cap. Then there was no looking back. Media witnessed the birth of Sai Baba Telefilms Private Limited. Sai Baba Telefilms began its journey with great shows like Voice of India, Voice of India. And Antakshari. With their grand success and cult following for the shows, Sai Baba Telefilms became synonymous for quality music reality shows like Voice of India, छोटे उस्ताद। कहते हैं हीरो की परख तो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है, और हमें भी जरूरत थी ऐसे जौहरियों की जो इन बेशकीमती हीरो को परख कर वो कोहिनूर हीरे निकालें जो बनेंगे हमारे छोटे उस्ताद। चक दे बच्चे, बात परिवार, थोड़ी सी हंसाई में है, थोड़ी सी रुलाई में है, मीठी सी लड़ाई में है, बात परिवार, बात परिवार, हाँ बात परिवार। जुनून, वेलकम टू द शो गजेंद्र जी, हाउ आर यू? और मुझे आपका फेस इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा प्लीज फिक्स करिए। हाँ जी, थोड़ा और जाके हमारे व्यूअर्स देख पाए। द किंग ऑफ रियलिटी शो इज विद अस टुडे, गजेंद्र सिंह जी, इट्स ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शोज, एंड इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। ऑफकोर्स, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ अपने ऑल ओवर यूएसए एंड कनाडा के व्यूअर्स की तरफ से कि आप शो पे आए, एंड दे वर ऑल एक्साइटेड टू नो कि गजेंद्र जी आ रहे हैं शो पे। प्लीज हमसे ये जरूर जानिएगा कि अंताक्षरी की शुरुआत कैसे और कहाँ से और कब हुई, तो प्लीज मैंने कहा वो आ रहे हैं शो पे, वो खुद ही हमें सब कुछ बताए हैं। रश्मि, बहुत लंबी कहानी है, और ऐसे तो मतलब इतने वक्त गुजर गया, इतने समय गुजर गया, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूँ। और मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1992 की जी। जब जी टीवी की शुरुआत हुई थी जी। और उसी दरमियान हमने मतलब इस शो को कंसीव किया था, इस शो को बनाया था, और तब से लेकर के एक इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी जर्नी है। हमने सोचा भी नहीं था कि ये शो इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, जी का एक ऐसा शो बन जाएगा जहाँ पे पूरी दुनिया नाच करेगी, पूरे वर्ल्ड नाच करेगा। और लेकिन थोड़ी सी उसकी कहानी बताता हूँ आपको, कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसकी मतलब कहाँ से हुई थी। तो इस शो की एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जब मैं वहाँ पे एज एन एडिटर ज्वाइन किया था जी में, और मुझे मतलब मेरा रोल था 2-3 महीने का, फिर चैनल लॉन्च करने का,
जब चैनल लॉन्च हो गया तो मैं वहाँ से जाने लगा, जी तो सब लोगों ने कहा कि गजेंद्र तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुम सोचते क्यों नहीं हो, तुमको मतलब तुम्हारे काम को देख करके, तुम्हारी डेडिकेशन को देख कर, तुम्हारा पैशन को देख करके हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मैं कहा कि मेरा रोल तो खत्म हो चुका है, मतलब चैनल लॉन्च करना था, लॉन्च हो गया मेरा, प्रोमोज, मेरे मार्केटिंग, मेरा सब कुछ जो पार्ट था खत्म हो चुका था। और उसी दरमियान मतलब फिर मैंने कहा कि मतलब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ। तो मैं एक आइडिया लेकर के आया अंताक्षरी का। तो ट्रस्ट में कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत से लोग उतने ही मतलब डिसअपॉइंटेड थे कि मतलब तुमको इतना बड़ा मौका मिला तो तुम मतलब ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अंताक्षरी बनाने की बात क्यों कर रहे हो, कितने दिन देखेंगे लोग, कौन देखेगा लोग, कैसे देखेंगे लोग इसको। और बहरहाल चेयरमैन साहब का, सुभाष चंद्र गोयल जी का सपोर्ट था, उन्होंने मतलब विश्वास किया मेरे काम पे, मेरी क्वालिटी पे, मेरे टैलेंट पे, और मौका दिया काम करने का। जी हमने मतलब उसका प्रोमो शूट किया, प्रोमो ऑन एयर हो गया। अब सब लोगों की दिक्कत थी कि अन्नू कपूर साहब के और शो के होस्ट हैं, तब उनका कोई मतलब ऐसा बड़ा काम नहीं था, बड़ा नाम नहीं था, मतलब लोगों को लगता था कि मतलब कोई ऐसा होस्ट लेते हैं जो आज के दिन प्रचलित है, जो आज के दिन बहुत काम कर रहा है। बट मेरे बहुत समझाने बुझाने के बावजूद में भी लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी। और चूंकि मैं पहला शो कर रहा था जी, मैं कोई ऐसा, कोई मेरा अनुभव नहीं था, कोई ऐसा मेरी पहचान नहीं थी कि मैं अपनी बात को रखूं उनके सामने, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, समझाया, और मेरी बात को उन्होंने इनकार कर दिया। और उसी बात पे हम लोगों ने साजिद खान को लिया होस्ट। ओके अच्छा, अनु कपूर जी के पहले साजिद खान जी का था। ओके बिल्कुल बिल्कुल। और हमने मतलब नैब वर्ली का एक स्टूडियो है वहां पे शूटिंग कर रहे थे। जी सुबह 7 बजे हम लोग पहुंचे और साजिद और मैं मतलब दोनों, मतलब मैं साजिद को कुछ समझा रहा हूँ, साजिद कुछ और चाह रहा है करने के लिए। और ये बहस चली करीब करीब 12 बजे दिन तक, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक चली। जी और लेकिन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। बहरहाल साजिद ने सोचा कि मैं शो छोड़ दूंगा तो गजेंद्र को निकाल दिया जाएगा शो से, क्योंकि अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। जी तो साजिद साहब शो छोड़ के चले गए। ओ ओके और तब मेरे पास मतलब रोने के सिवाय, मतलब जा करके मैं समुद्र का किनारा था, नैब खूब 1 आध घंटा रो लिया। जी 92 की बात है, एक बचपन की बात है, मतलब तब मैं 24 साल का था। और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। जब आया चैनल के पास, लोगों ने कहा कि गजेंद्र तुम रिजाइन कर दो, तुम छोड़ दो शो, अपना काम करो, हम साजिद के साथ लेके कर लेंगे शो को। तो मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन किया, एक राउंड मैंने डिज़ाइन किए, एक गेम शो मैंने डिज़ाइन किया, इतना रिसर्च किया, मतलब जा कोर्स करके हांगकॉन्ग लंदन इतना मतलब 2-3 महीना काम किया इसके ऊपर में। और ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि अंताक्षरी को मैं टेलीविजन पे लेकर के आऊँ। तो बहुत बहस हुई, बहुत ये हुई, लेकिन मैंने कहा कि जो लॉस होगा वो मैं भर देता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कितनी बड़ी बात है। तो ये सब बात करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अनु कपूर साहब से बात करूँ। अनु कपूर को मैंने फ़ोन किया, घर पे, घर पे नहीं थे, उन्होंने कोई नंबर अपना छोड़ के गए थे, किसी जगह पे गए थे, वहाँ पर उनसे मेरी बात हुई। तो अनु ने कहा कि गजेंद्र अब मुझे और इंसल्ट मत करो, मैंने प्रोमो शूट किया, प्रोमो ऑनर हुआ, तुम किसी और के साथ शूट कर रहे हो, अब किसी किसी चीज़ में फंस गए हो तो मुझे बुला रहे हो, फिर से पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। मैंने अनु जी को समझाया कि मतलब मेरी कुछ नहीं है, मेरी सोच आप ही हैं, मेरी जी कल्पना में आप ही हैं, जी और शायद ये लिखा हुआ है कि हम आप दोनों मिलकर के शो कर रहे काम हैं। काम करें। तो अनु जी 5 बजे के लगभग आए स्टूडियो में और ट्रस्ट में समझे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उस दिन हमने 2 एपिसोड शूट किया। जी और फिर क्या बताऊं मैं, मतलब अंताक्षरी एक ऐसा ZTV का इतिहास है, टेलीविजन का ऐसा इतिहास है जिसको हम मतलब कभी भी जीवन में भुलाए भी नहीं भुला पाएंगे। पूरे बिल्कुल वर्ल्ड में हमने शूट किया, USA, UK, दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे कैसे आए, हर एक ग्रुप के लोग, हर राउंड खेले हमने। अन्नू जी, दुर्गा, रेणुका, पल्लवी, राजेश्वरी, मतलब ऋचा शर्मा,
सब लोगों ने मिलकर के मतलब ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा एक लैंडमार्क एपिसोड है जो मतलब हम कभी जिन्हें बुलाए नहीं बुला पाएंगे चीज को। आई नो, कमाल ही हो गया, मतलब दिस इज अमेजिंग। और जो आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, हिंदुस्तान में इतिहास रच दिया, अमेजिंग, एंड इट्स अनबीटेबल। एंड द शॉर्ट यू वेयरिंग, उस पे वन लिखा, मैं यही कहना चाहती थी, यू आर नंबर वन, ऑफ कोर्स, यस, नोबडी कैन बीट गजेंद्र जी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने एक आम इंसान के लिए एक प्लेटफॉर्म जो खड़ा किया जहाँ वो अपनी एक पहचान बना सकता है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। मेरी सोच भी वही, मेरी सोच भी तभी भी वही थी कि मतलब कि ऐसा गेम शो जब फिल्म गानों के पहले से भी खेला जाता था, जब काव्य की रचनाएं होती थी, जब रामायण की चौपाइयां होती थी, तब से हम अंताक्षरी खेल रहे थे। तो मैं सोचा कि इस चीज को अगर हम टेलीविजन पे फिल्मी गानों के माध्यम से अलग अलग राउंड करके अलग अलग फॉर्मेट से लेकर के आएंगे तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। और ट्रस्ट मी, मतलब अंताक्षरी देखने के बाद, अंताक्षरी एक दो साल नहीं चला है, 14 साल चला है टीवी पे, और इसकी टीआरपी हमेशा मतलब 68, 78, 49, 59, मतलब हाईएस्ट, मतलब इतने दिनों में कभी कम नहीं हुई, जब तक रहा तब तक नंबर वन शो रहा है। बिल्कुल, और अनु कपूर जी ने 4 चांद लगा दिए, नो डाउट अबाउट इट, मींस ही इज अनबीटेबल, अमेजिंग, इतने जीनियस है वो, अमेजिंग। अनु जी ने तो मतलब उस शो को मतलब ऐसा जिया है कि हम सबको उन्होंने एक जीवन दिया है, हम सबको उन्होंने एक मतलब लाइफ दी है, उनको उन्होंने अपने प्रेजेंस से, अपने नॉलेज से, अपनी भावनाओं से, अपनी मतलब अद्भुत प्रस्तुति से, न जाने मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बिल्कुल, उतना ही खूबसूरती से दुर्गा ने ऐड किया, बिल्कुल, अपनी रेणुका ने ऐड किया, पल्लवी ने किया, राज ने किया, ऋचा ने किया, शेफाली ने किया, सब लोगों ने मतलब अपना अपना ऐसा दिया उस शो में कि मतलब कि क्या बताएं हम, मतलब कभी बुलाए भी नहीं भूल पाएंगे इस शो। अमेजिंग, मुझे खुद भी अभी बात करके इतनी खुशी हो रही है, बिकॉज हम खुद इतना एंजॉय करते थे शो को, इतना अच्छा, एंड एवरीबॉडी यूज़ टू वेट कि ये आने वाला है, इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन एंड सो एक्साइटिंग। और मुझे ऐसा लगता है गजेंद्र जी, म्यूजिक हैज पावर ऑफ हीलिंग, सब अपने दुख दर्द भूल जाते हैं और बस संगीत में आ जाता है, एंड देन यू आर जस्ट कनेक्टेड विद म्यूजिक, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूँ, लंदन हम लोग शूट कर रहे थे हेज स्टूडियो में, बीबीसी का स्टूडियो था हेज, वहाँ पे एक शेड्यूल था जिसमें एक महिला थी, कैंसर से पीड़ित थी, जब हम लोग उनसे मतलब मिले, बात कर रहे थे, तो कह रही थी कि गजेंद्र आप बिलीव नहीं करोगे, उनके बेटे कह रहे थे, वो खुद कह रही थी कि वो मंडे से लेकर के थर्सडे तक सोई रहती हैं, फ्राइडे को उनके चेहरे पे ऐसी खुशी होती है कि जैसे दुनिया की अद्भुत चीज देखने वाली है, अद्भुत, मतलब उनको पता नहीं क्या फ्राइडे को हो जाता था कि जैसे लगता था कि सारी दुनिया उनकी लौट आई है। तो ऐसे लोगों से मिले, उनकी बातें सुने, अंताक्षरी कोई बहुत टैलेंट की बात नहीं थी, लेकिन अंताक्षरी एक मतलब जनरल फीलिंग की गेम शो थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और जो आपने उसका फॉर्मेट आगे फिर आपने सारेगामा में शुरू कर दिया, आपने सारेगामा, तो दैट वाज ऑफ कोर्स अनदर फैदर इन योर कैप, एंड ब्रिलियंट, लाइक अमेजिंग, आपके इतने आइडियाज, इतने जीनियस है, एंड मुझे ऐसा लगता है आप सबको बहुत प्यार करते हैं, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग समथिंग फॉर पीपल, यू आर पीपल पर्सन। करेक्ट, आई डोंट नो, मतलब आई थिंक कुछ ऐसी चीजें मतलब मुझे लगता है कि लिखी रहती हैं इंसान के भाग्य में, इंसान के तकदीर में, कि कुछ ऐसा काम आपके हाथ से होना है। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, मैं संगीत का ज्ञाता नहीं हूँ, कोई संगीत मुझे मतलब ऐसा सीखा नहीं मैंने, लेकिन पैशन खूब है म्यूजिक करने के लिए, पैशन है गेम शो क्रिएट करने के लिए, पैशन था कि मतलब कि कुछ टैलेंट हंट को लेकर के आऊँ, तो वो चीज़ सफल हुई और बहुत खुशी हुई। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सारेगामा की, आप लोगों के सामने, अपने दर्शकों के सामने, कि सारेगामा भी एक मतलब आज तक शो चल रहा है वो, और ऐसा लेजेंडरी शो बन गया है कि मतलब जिसके साथ हम लोग की जिंदगी जुड़ गई। वाकई में, मतलब ऐसा इसमें शोज, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं जिन्हें जिन्होंने नाम बनाया है, आज इतनी नाम है उनके, उनके काम तो है ऑफ कोर्स, बट नाम, शोहरत, सब कुछ मिली उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से, एंड जहां वो अपने आप को दुनिया के सामने ला सकते हैं, एंड पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर, कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता नहीं है कि कहाँ पे शोकेस कर सकें, एंड यू हैव डन वंडरफुल वर्क, इट्स रियली अमेजिंग। एंड ऑफकोर्स सुरेश महाराज जी तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी सुरेश महाराज जी के बारे में भी उनकी प्रेडिक्शन कैसी लगती है आपको, वो भी हमारे शो पे आते हैं, थैंक्स टू हिम कि हम उनकी वजह से आपसे कनेक्ट हुए हैं।
महाराज जी के बारे में क्या बताऊं, मतलब इतने मतलब सच्चे इंसान हैं, इतने मतलब व्यक्तिगत के बहुत धनी व्यक्ति हैं, जब भी मिलते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, हम लोगों को देखते हैं मौका कि कहाँ प्रमोट करना है, कहाँ हमको आगे लेकर के आना है, तो उनके बारे में जितनी बातें कहूँ उतना कम है। बहुत ही मतलब प्रतिभा के धनी हैं, जो बातें कहते हैं, जो सोचते हैं, जो प्रडिक्शन उनका है, मतलब इतना अद्भुत है। जब कुछ उनसे थोड़ी सी मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने जी छोड़ा था तो उस वक्त भी हमारे ऑफिस को सेटअप किया उन्होंने, हमको मतलब एक बच्चे की तरह से मतलब आगे बढ़ाया है। तो महाराज जी का बहुत बहुत मतलब लाइफ में रोल है, बहुत बहुत उनका मतलब एक मतलब गाइडेंस है, और आज भी हमको गाइड करते रहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है, क्या मतलब, तो बहुत एक मतलब एक बच्चे जैसा प्यार करते हैं महाराज जी। ऑफकोर्स मैं उनको रियली थैंक यू कहना चाहती हूँ गजेंद्र जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है। यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, यू आर विथ अस, शेयरिंग योर स्टोरी विथ अवर व्यूअर्स, बिकॉज ऑफकोर्स अंताक्षरी हुआ, गजेंद्र जी ने किया प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय यू, बट स्टिल पीपल वॉन्टेड टू नो कि कैसे शुरुआत हुई। आज आपने जो बताया है एंड एवरीबडी मस्ट बी सो हैप्पी। और तो आप शुरू से म्यूजिक के लिए लाइक आपने सीखा क्यों नहीं, जब इतना पैशन था आपको? तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक कुदरत की देन होती है, एक मालिक का करम होता है। सब लोग तो नहीं गा सकते हैं, मुझे लगता है कि एक आप एक आध कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पैशनेटली गाना गाना एक मुझे लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद है, मालिक का करम है। लेकिन फिर अंताक्षरी कैसे कनेक्ट हुई, ये मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि वो कैसे आपके माइंड में आए थॉट कि ये कर सकते हैं अंताक्षरी, लाइक इट इज समथिंग यूनिक। तो अंताक्षरी जब मैं पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, तो थोड़ी बहुत मतलब जब एनुअल फंक्शन होता था तो इस तरह के शोज होते थे, इस तरह के थोड़े गेम होते थे, तो वो तब से मेरे दिमाग में था कि कभी मतलब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मुझे मतलब मुंबई आने का मौका मिला, जब फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, जब मुझे जी टी वी में मतलब आने का मौका मिला, तो पता नहीं मुझे पहली चीज जब जी टी वी की संरचना हुई, जब जी टी वी की कल्पना हुई, जब जी टी वी की बात हुई, तो सुभाष जी से मैंने यही बात किया था कि मुझे अंताक्षरी बनाना है। और पता नहीं उनका मतलब शुक्रगुजार है, उनका मतलब मैं जीवन भर कभी मतलब शुक्रगुजार मतलब उनकी बातों को भूल नहीं पाऊंगा, उनके मतलब जो उन्होंने प्यार दिया है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने ब्लेसिंग दिया है, जो उन्होंने साथ दिया है, गजेंद्री विल बी इज विद अस एंड ही विल बी ऑफ कोर्स शेयरिंग हिज होल जर्नी विद अस, कैसे आगे शुरुआत हुई है। सो ही विल बी कनेक्टिंग बैक विद अस, टिल द टाइम लेट मी शेयर विद यू, उन्होंने सारे गामा तो ऑफ कोर्स लाए हैं, उसके आगे भी ही कनेक्टेड एंड गेट सो मेनी प्लेटफॉर्म इन अदर वेज आल्सो। सो हाँ जी श्वेता, क्या हो गया? आपकी कनेक्ट बैक विद अस, वी हैव सम लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल इशू, सो ही विल बी कनेक्टिंग बैक विद अस। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने अमूल का म्यूजिक का महामुकाबला, अमूल म्यूजिक महामुकाबला भी स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म लाया है, दैट इज सुर क्षेत्र, दैट इज अमेजिंग। एंड हर कलाकार मतलब द वे दे हैव सिलेक्टेड द पीपल, इट्स अमेजिंग, एंड एक से बढ़कर एक है। एंड ऑफकोर्स श्रेया घोषाल को कौन नहीं जानता, एंड जो भी उनके एंकर्स आए शो में, दैट वॉज लाइक अमेजिंग, मतलब शान है, सोनू निगम जी हैं, अमेजिंग। सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड देर इज सो मच ऑफ पोटेंशियल इन पीपल, एंड दे लुक फॉरवर्ड फॉर सर्टन प्लेटफॉर्म विच ही हैज प्रोवाइडेड, एंड द होल वर्ल्ड इज थैंकफुल टू गजेंद्र जी, एंड ही विल बी जॉइनिंग बैक विद अस। Yeah, little bit of issue, we have technical issue, so stay connected with us viewers, because bade mushkil se hame aise mauke milte hain jahan hum apne logon ki baat jaan sakte hain, like who have done so much for the community, I'll say, and he is back with us. And hello Gajendra ji, thank you so much for being connected again with us, thank you so much. So yes, we can see you. थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। नहीं, we'll just connect it.
या नंबर वन भी हम देख सकते हैं, गजेंद्र जी ने अब हमें दिखा दिया, इज वेरिंग नंबर वन एंड ही विल ऑलवेज बी नंबर वन फॉर अस ऑफ कोर्स व्यूअर्स. या गजेंद्र जी, तो आप मुझे बता रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया एंड सारे गामा में भी जैसे सब लोग हमसे कनेक्ट हुए थे एंड आई थिंक सो पूरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है इस प्लेटफॉर्म के साथ. तो मैं थोड़ी सी बात सारेगामा की करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ में. जी. सारेगामा एक ऐसा देश का कल्ट शो, एक ऐसा ऐतिहासिक शो बन गया है जिसको शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अंताक्षरी के बाद एक और शो बन सकता है. तो होता ये था कि अंताक्षरी में जब लोग आते थे अच्छे अच्छे सिंगर्स, तो उसमें वो पहले एलिमिनेट, उनको अच्छे गाने का नॉलेज नहीं होता था. तो करीब 6 महीने तक ये चला मेरे साथ में. तब मैं आया चैनल के साथ, डिस्कस किया कि मैं एक और शो करना चाह रहा हूँ म्यूजिकल, जो बिल्कुल टैलेंट होगा, जो प्योरली टैलेंट आखिरी तो चल रही है, अंताक्षरी के बाद क्या बनेगा. तो फिर मैंने उनको समझाया कि मतलब ये टैलेंट हंट होगा, एक म्यूजिकल होगा, एक मतलब इसमें जज होंगे, इसमें अलग अलग राउंड होंगे. तो तब तक अंताक्षरी चल चुका था, गजेंद्र सिंह एक ब्रांड बन चुका था, तब तक लोगों को विश्वास हो चुका था कि जो कुछ कर रहा हूँ उसमें कुछ बात होगी. और फिर सारेगामा की शुरुआत हुई और सारेगामा ने मतलब एक ऐसा कदम रखा. मुझे अभी भी याद है कि हमने सोनू निगम साहब के साथ शूट किया था पहला एपिसोड, और उन्होंने अपनी मतलब फन के बदौलत, अपनी टैलेंट के बदौलत उस शो को ऐसा मुकाम दिया है कि जो आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं. आज तक लोग सोनू को शो से याद करते हैं. ऑफ कोर्स. और बिल्कुल इतने इतने टैलेंट में से उसमें से मतलब एक कुणाल गांडा वाला मतलब, प्लस हमने पाकिस्तान में शूट किया मेहदी साहब, गुलाम अली साहब, फरीदा खानम, अबिदा परवीन जी, राहत फतेह अली खान साहब, मतलब कौन कौन इस शो में नहीं आया. इनफैक्ट जब हमने लंदन में शूट किया तो पहली बार हमने ओसी बिसा को बुलाया था. अच्छा. उसी विशा ने मतलब उसमें 1 घंटा परफॉर्म किया था शो में. बहुत अच्छा. तो मतलब यूएसए में शूट किया, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने शूट किया हमने. तो इस शो को मतलब एक ऐसा कल्ट बन गया कि जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया इसको देखती है, पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि इसमें से कौन टैलेंट निकलेगा. अपने टैलेंट को दिखाने का एक मतलब प्लेटफॉर्म बन गया दुनिया का. बिल्कुल. और आपके लाइक आपने बच्चों के लिए भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जस्ट नॉट ओनली फॉर ओल्डर पीपल. सारे का वाला लिटिल चैंप इज आल्सो वेरी फेमस एंड बिल्कुल अमेजिंग. बिल्कुल 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 बिल्कुल. मतलब फिर मतलब एक मैंने 2006 तक काम किया जी टीवी में. फिर 2006 के बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई साइबर वॉइस स्टूडियो. वहां पे हमने मतलब फिर से हमने अंताक्षरी लॉन्च किया, कोलगेट अंताक्षरी स्टार वन पे. वो भी 2 साल तक चला, उसमें ही होस्ट थे और उन्होंने बखूबी काम किया. मतलब फिर से लोगों को एक धड़कन बनी, फिर तो फिर लोगों ने इतना ही उसको प्यार दिया. थोड़ा और कैनवस बड़ा हो गया था उसमें, लेकिन फिर हमने मतलब वॉइस ऑफ इंडिया बनाया, फिर म्यूजिक का महामुकाबला. म्यूजिक का महामुकाबला एक ऐसा ऐतिहासिक शो है जो मतलब अभी भी लोग भूल नहीं पाए हैं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हमने रॉक स्टार क्रिएट किया हनी सिंह के साथ में. ढेर सारे हमने रीजनल शो किए मराठी के लिए, बंगाली के लिए. साउथ में जाकर के हमने म्यूजिक का संगीत महायुद्धम किया. वहां पे मतलब 2 साल तक हमने खूब मतलब लोगों को दिल जीता. तो ये हमारी जर्नी चली रही है. अब हमारी एक म्यूजिक अकेडमी है जहाँ पे हम लोग बच्चों को टैलेंट सिखाते हैं, बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं. और उस टैलेंट म्यूजिक प्लेटफॉर्म को मैं सोचता हूँ डिजिटली कैसे वर्ल्ड से जोड़ूँ. ये हम लोगों की मेरी टीम है, मेरे सीईओ है अभिजीत सक्सेना साहब, हम लोग मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं. तो लगे हुए हैं हम लोग. तो आपकी सारे गामा अकेडमी है, लेकिन उसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? लाइक लोग अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, सो हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? तो सिंपल है, सारे गामा अकेडमी है, बॉम्बे में है. वहाँ 150-200 लोगों का मतलब ही बैच है और अलग अलग गुरु हैं. मतलब क्लासिकल के गुरु अलग हैं, लाइट म्यूजिक के गुरु अलग हैं, वेस्टर्न के गुरु अलग हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट के गुरु अलग अलग हैं. मतलब तो पूरा एक प्रोफेशनल
टीम है प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करती है, जो लोगों को उम्मीद है कि हम सारेगामा प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो कुछ सीख के निकलेंगे, कुछ बन के निकलेंगे, वही सारेगामा वहाँ पे भी कर रहा है। और एक अभी हम लोग एक डिजिटली माउंट कर रहे हैं उसको, कि डिजिटल से कैसे पूरी दुनिया को जोड़ लें, कैसे पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के आ जाए उस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं और मेरे जो सीईओ साहब अभिजीत सक्सेना साहब हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं उस पर। तो आई थिंक एक 2-3 महीने में आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ में। ऑफकोर्स करेंगे जी, आपने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ के पूरा, कहते ना इतना बड़ा तो झुंड है उसको ना, आपने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। एंड ऑफकोर्स इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई विल से दैट ब्यूटिफुली डन। एंड मतलब मेरे पास तो थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हर एज ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ वो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। सो जब आप अपने विनर्स को देखते हैं परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हुए, आपको कैसी फीलिंग आती है उस टाइम? मतलब मैं आज के दिन में मुझे लगता है कि मैं सबसे लकी इंसान हूँ कि इस जो जनरेशन है, सोनू, सुनिधि, श्रेया, दर्शन, यू नेम द पीपल, मतलब तोशी संजीव, सब लोग जुड़े हुए हैं। साउथ में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, मराठी में चले जाइए, हर जॉनर में, हर जगह पे, मतलब इसके टैलेंट, इसकी मतलब जो कलाकार हैं आज गा रहे हैं, तो खूब फख्र होता है, खूब प्राउड होता है, लगता है कि ये जन्म मतलब इन्होंने जिन लोगों से मिला, बातें किया। तो एक हमने शो किया था सुर संग्राम पटना में, मतलब 2-2.5 लाख की पब्लिक थी उस ग्राउंड में, गांधी मैदान में। तो ऐसे ऐसे शोज मतलब हमने मतलब क्रिएट किए हैं जो देख करके मतलब अब लगता है कि इस समय था, ये टाइम था, और वही चीज़ हम लोग मतलब अब एक नए तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, मतलब जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो एक गाना भी सीखना चाहते हैं, उनको हम कैसे अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ दें, कैसे उनकी ख्वाहिश पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। गजेंद्र जी, आप ऐसे आइडियाज नए नए लाते रहिए, और आप ही वो जौहरी हैं जो सब हीरो को तराश रहे हैं। तो मैं और आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और अभी अभी आप कुछ और नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं आपके? तो हम लोग एक नया काम कर रहे हैं जी। अभी एक अंताक्षरी को बात चली चैनल से, उनका नाम रिवील नहीं कर सकता हूं मैं, तो उसको रिवाइव कर रहे हैं कि कैसे आज की अंताक्षरी, आज के युग में अंताक्षरी कैसी खेली जाएगी, क्या राउंड्स होंगे, कौन से नए होस्ट होंगे उसमें, किस तरह की मतलब टेक्निक होगी, किस तरह का रूप होगा, कैसे मतलब आज हम लोगों को जोड़ेंगे। तो उस पर हम करीब 1 साल से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-6 महीने में शो को आप देख पाएंगे। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड इट्स गोना बी फॉरएवर। जैसे मुझे लगता है रामायण और महाभारत के सीरियल वापस आ रहे हैं और वो हमेशा के लिए फॉरएवर है। वंस द टाइम, एक बार जो बन गए अब कभी नहीं बन सकते वो, जो बी आर चोपड़ा जी ने बना दिए हैं, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, एंड रामानंद सागर का और गजेंद्र जी ने सारे गामा और अंताक्षरी प्रोड्यूस किया है, वो कोई भी नहीं ला सकता। यू आर लाइक, इट्स अमेजिंग, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं हम लोग रॉ स्टार सीजन 1 किए थे हनी सिंह के साथ में, अभी उसका सीजन 2 की बात कर रहे हैं हम लोग अरिजीत सिंह के साथ में जी। तो वो भी मुझे लगता है कि मतलब बहुत लेजेंडरी शो बनकर निकल करके आएगा। अरिजीत अपने आप में एक शख्सियत है, एक हस्ती है, मतलब दुनिया उनको पसंद करती है, दुनिया उनको चाहती है। तो जब वो एक मतलब हम लोग शो लेकर के आएंगे, रॉ स्टार अपने आप में पहला सीजन जिसमें से कितने टैलेंट निकल करके आज अपना काम कर रहे हैं, ऋतुराज, दर्शन, मतलब सब लोग मतलब एक ऐतिहासिक काम बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, इट्स ग्रेट टू नो योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फ्रॉम ऑल ओवर अवर यूएसए एंड कनाडा व्यूअर्स। इन्हें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाउ इट हैपेंड, हाउ इट स्टार्टेड, एंड जो आपने बताया वो तो वाकई कमाल का है। एंड द जर्नी यू हैव डन इज ब्यूटीफुली डन, एंड यू आर सो डेडिकेटेड, यू लव योर पीपल वर्ल्ड वाइड, दैट्स व्हाट इट इज। सो बिफोर वी एंड द शो, एनी मैसेज फॉर अवर व्यूअर्स गजेंद्र जी? मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने देख रहे हैं शो को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी यूएसए में आकर के हम लोग एक ऐसा टैलेंट हंट, एक ऐसा ऐतिहासिक शो करेंगे जो मतलब आप सब लोग से इतने दिनों से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो फिर से अपने शो के माध्यम से, अपने अकेडमी के माध्यम से, अपने अंताक्षरी के माध्यम से, सारेगामा के माध्यम से कनेक्ट करूँगा आप लोगों से।
और सबसे बड़ी बात, मैं महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब आप लोगों से परिचय कराया, आप लोगों से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने के लिए, अपने दर्शकों तक जाने के लिए। मैं तहे दिल से महाराज जी का आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रश्मि, थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स अटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं हूँ रश्मि बेदी, हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।